आज जो इवेंट है दैट इज़ प्लांट फॉर इस्लामाबाद। आज हम यहाँ पे सारे जमा हुए हैं, हमारी पूरी मिनिस्ट्री है, पूरी इस्लामाबाद की अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की कोलाब्रेशन है, और हमारे एक पूरा एक मूवमेंट है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का। स्टार्ट पे बहुत कम लोग हुआ करते थे, अब हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। सो इट मीन्स कि अवेयरनेस हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो एक विजन है उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर बेटर पाकिस्तान, फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड टुडे इज़ फॉर अ बेटर इस्लामाबाद। तमाम पाकिस्तान में ये प्लांट फॉर डेज मनाए जा रहे हैं, जिससे बस एक अवेयरनेस क्रिएट करना है और उसके अंदर एक प्लांटेशन को इंक्रीज़ करना है पाकिस्तान के अंदर। आज भी तकरीबन यहाँ पे इस एरिया में 10,000 प्लांट्स लगाए जाएंगे। अपने तौर पे सब लगे हुए हैं पूरे मुल्क में, हमें इतनी अच्छी फीडबैक आ रही है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, दिस इज़ अ कोलैबोरेशन विद द क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री एंड IMDC। हमारे स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग अमेजिंगली, देयर रनिंग अराउंड, देयर प्लांटिंग ट्रीज, देयर रियली एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, दे वांट टू मेक अ चेंज फॉर पाकिस्तान, दे वांट टू मेक अ चेंज फॉर द क्लाइमेट। सो इट्स अमेजिंग टू सी द यूथ कि वो इतनी इंटरेस्ट ले रही है इन द क्लाइमेट चेंज। Islamabad Medical and Dental College has always put climate and climate change at the forefront, and it is the responsibility of the students to take this forward, because this is their country, this is their planet, and they have to own it. Sehat aur climate change aur climate ka bahut hi direct relationship hai, to isliye ek acche doctor banne ke liye hame climate aur environment ko samajhna bahut zaruri hai, aur ummeed hai ki ye events इस किस्म की अवेयरनेस हमारे स्टूडेंट्स में बिल्ड करने में मदद करेंगे, और उनका माइंडसेट चेंज करने में कि ये एक इवेंट का के तक महदूद नहीं है ये बात, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, एक लाइफ लॉन्ग मिशन है जो हमें हर एक को, हर पाकिस्तानी को, और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान तबका हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को संभालना पड़ेगा, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि अपने कॉलेज में, अपने महल्ले में, अपने घर में, अपनी गली में हमें शजरकारी और एनवायरनमेंट को बेहतर करना होगा। इट वॉज बिट हॉट, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उनको वैसे भी माशाल्लाह इतनी अभी अवेयरनेस है कि वो चाह रहे थे कि जो एक कितना बड़ी कॉज है उसके लिए वो लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इन द पास्ट हम इनसे 10,000 पौधे इनके साथ मिलकर लगा चुके हैं, हमें मिनिस्ट्री ने दोबारा इन्वाइट किया था, हमने उनके साथ मिलकर अपने जितने भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, DPT, MLT, MBBS, PDS, वो सब यहाँ आए और आकर उन्होंने पौधे लगाए। ऑल्दो इट वॉज़ वेरी हॉट, लेकिन सब ने जाकर अपना भरपूर तरीके से एफर्ट पुट इन किया जितना वो कर सकते थे। सो इट वॉज़ अ रिमार्केबल इवेंट। हनुरीस पर क्या शेर बनी गला गीती इस नाम इमरान खान ख्वाब शो की ए क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, और इस पर हया गीती बनी गला 2000 फर्दू इस पर बोई तम फर्दू ना सिर्फ इन्वायरमेंट को खुशगवार व अट्रैक्टिव कोनियन, बल्कि हेद क्या शेर रेनफॉल क्या शेर है ओदी कॉज कोनियन व क्या शेर गार इस पर ऑक्सीजन दी इस पर तन मिलाओ बयान। प्लांटेशन एक मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, और पाकिस्तान वैसे भी बहुत पोल्यूटेड हो रहा है, इसकी वजह से हमें प्लांटेशन की इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए।